हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा एक सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट जो आपको फ्रोजन शोल्डर में काफ़ी हेल्प करेगा उसको क्योर करने में। अगर आपको काफ़ी पुराना ये पेन है शोल्डर में, या फिर आपको शोल्डर जॉइंट के रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम, आपको शोल्डर में जॉइंट में पेन रहता है, या फिर उसमें अकड़न टाइप में फील होती है, या फिर आपको स्टिफनेस फील होता है, तो मैं आपको एक सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगा जिसको प्रेस करने से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब बात करते हैं ये पॉइंट्स आपको मिलेंगे कहाँ पे। ये जो पॉइंट मिलेगा ये हमारे शोल्डर जॉइंट पे ही मिलेगा। जिस हाथ के अंदर आपको पेन है उसी हाथ के अंदर आपको ये पॉइंट मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इस तरह आपको खड़ा होना है, ठीक है। ये जो हमारा शोल्डर जॉइंट है, ये शोल्डर जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट के आपको दो फिंगर्स आपको इस तरह साइड में नीचे रखनी है। इस तरह शोल्डर जॉइंट से टच करते हुए आपको ये पॉइंट, आपको दो फिंगर्स इस तरह रखनी है, ठीक है। उसके बाद में जहाँ तीसरी फिंगर टच हो रही है साइड में, आगे की तरफ नहीं रखना, हल्का साइड में पीछे की तरफ आपको ये पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर ये पॉइंट आपको इस तरह यहाँ पे मिलेगा, शोल्डर जॉइंट से दो फिंगर नीचे रखने के बाद जहाँ तीसरी फिंगर टच हो रही है वहाँ पर। तो इस पॉइंट को आपको इस तरह प्रेशर देना है, 2 से 3 मिनट आपको प्रेशर देना। आप हमारी पूरी फिंगर्स की हेल्प से भी इसको प्रेशर दे सकते हो इस तरह। इस पॉइंट को आपको कम से कम 2 से 3 मिनट तक प्रेशर देना है और दिन में 2 से 3 बार आपको इसको जरूर करना है। आप देखोगे कुछ ही दिन के अंदर आपको इसमें अच्छा रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।